हरियाणा पुलिस को करनाल के जो जीडी रोड है बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर पंजाब के 4 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया है। उनसे विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है जो कि ये पंजाब से लेकर फिरोजपुर से लेकर नादेड़ जा रहे थे। इनको सूचना मिलने पर गिरफ्तार किया गया। इनसे काफ़ी विस्फोटक सामग्री बरामद हुई हैं, गोली सिक्का भी मिला है, रिवाल्वर भी मिली है, नकदी भी मिली है। इस सारे मामले की जांच हरियाणा पुलिस और पंजाब पुलिस मिलकर कर रही है और जो कथित आरोपी हैं एक बार पहले भी इतना ही विस्फोटक सामान नादेड़ में सप्लाई कर चुके हैं। इसके बारे में जानकारी एसपी करनाल ने दी और कहा कि इनके बारे में जो संबंध हैं पाकिस्तान में बैठे जो इनके आका हैं उससे इनके संबंध हैं, ये सारी जांच की जा रही है। कितनी बार कहां कहां से ली इन्होंने सामग्री, कहां सप्लाई करनी थी। अर्ली इन द मॉर्निंग हमें एक क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक इनोवा गाड़ी में कुछ युवक जा रहे हैं जिनके पास में एक्सप्लोजिव्स या हथियार हो सकते हैं। इसी इन्फॉर्मेशन पे हमने जिले के कंट्रोल रूम को अलर्ट किया और 3 हमारी डायल 112 गाड़ियाँ और एक लोकल थाने की गाड़ी हमने मौके पर भेजी थी। जैसे ही वो इनोवा गाड़ी वहाँ पहुँची हमने उस गाड़ी को वहाँ पर रोका, चारों युवकों को काबू किया। युवकों ने पूछताछ पे अपना नाम गुरप्रीत, अमनदीप, परमिंदर और भूपेंद्र बताया। ये चारों ही पंजाब के रहने वाले हैं। 3 जो युवक हैं वो फिरोजपुर ज़िले से और एक लुधियाना ज़िले से है। उसके बाद में हमने बम हमारी BDDS टीम को और FSL टीम को मौके पर बुलाया था। गाड़ी की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान एक देसी पिस्टल, 31 जिंदा कारतूस और 3 लोहे के कंटेनर जिनका एक एक का वज़न लगभग 2.5 किलो के आसपास है वो मिले थे। उसके बाद में अभी BDDS टीम ने जो एक्सरे जो उस एक्सप्लोजिव्स का किया है उसमें एक्सप्लोजिव्स की पुष्टि हुई है। तो जो युवकों से भी हमने पूछताछ करी है उसके अनुसार जो हरविंदर सिंह रिंदा जो कि पाकिस्तान बेस्ड है उसने ड्रोन के जरिए फिरोजपुर ज़िले में इनकी सप्लाई करी थी और उसके बाद में पहले भी कंसाइनमेंट एक बार उसके पास में आ चुका है। ये कंसाइनमेंट जो है वो उसे लेकर के फिरोजपुर से लेकर के वहाँ जा रहे थे नांदेड़ के पास में, इसकी सूचना मिलने पर आज हमने इनको रोका था और इनको पकड़ के लाए हैं। हमने थाना मधुबन में धारा FIR नंबर 141 आज की डेट में एक्सप्लोजिव सबस्टांस एक्ट 1908 की धारा 4 में 5, आर्म्स एक्ट की धारा 25 व UAPA एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया। नाम एक बार दोबारा बता दें, नाम दोबारा बता दें, कोई गतिविधियां क्या थी, कहां इन्होंने विरोध किया था सुबह कुछ। देखिए जो पकड़े गए आरोपी हैं इनके नाम गुरप्रीत, एक गुरप्रीत का भाई अमनदीप, एक परमिंदर और एक भूपेंद्र है। कहां से आए थे, कहां से आए थे, इनकी ग्रोह भी हो सकती है। देखिए किसी गिरोह से है या आतंकी गिरोह से है, बिल्कुल जो है वो हरविंदर सिंह जो रिंदा है वो पाकिस्तान में वहाँ रह रहा है और आतंकी गतिविधि में संलिप्त रहा है। वो ही इनको एक्सप्लोजिव्स और NDPS की जो सामग्री है उपलब्ध कराता है और साथ में ही इनको एक लोकेशन भी भेजता है और उस लोकेशन पे इनका काम ये होता है कि वहाँ पर जो एक्सप्लोजिव या हथियार है वो रख करके आने होते हैं। देखिए इनको हरविंदर सिंह जो रिंदा है उसने एक ऐप के जरिए लोकेशन भेजी थी, आदिलाबाद के आसपास की लोकेशन है, वहाँ पर इनको ये जो एक्सप्लोजिव्स है और जो हथियार है वो रख करके आदिलाबाद दिल्ली सर ना तेलंगाना के पास तेलंगाना में वहाँ पर संगठन से जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान से लोकेशन भेजी थी सर। हाँ जी हाँ सर। सिर्फ हथियार रख के आने थे या किसी घटना को अंजाम देना था। देखिए इनको जो हरविंदर सिंह जो रिंदा है वो एक लोकेशन भेजता है, उस लोकेशन पे ये जो फिरोजपुर में जहाँ पर ड्रोन के जरिए सप्लाई होती है उसने एक ऐप के जरिए लोकेशन भेजी थी, आदिलाबाद के आसपास की लोकेशन है, वहाँ पर इनको ये जो एक्सप्लोजिव्स है और जो हथियार है वो रख करके आदिलाबाद दिल्ली सर ना तेलंगाना के पास तेलंगाना में वहाँ पर संगठन से जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान से लोकेशन भेजी थी सर। हाँ जी हाँ सर। सिर्फ हथियार रख के आने थे या किसी घटना को अंजाम देना था। देखिए इनको जो हरविंदर सिंह जो रिंदा है वो एक लोकेशन भेजता है, उस लोकेशन पे ये जो फिरोजपुर में जहाँ पर ड्रोन के जरिए सप्लाई होती है वो भी जो गुरप्रीत है उसका एक फ्रेंड है आकाशदीप, उसी के ननिहाल का खेत है, वो उन्होंने लोकेशन इन्होंने उनको भेजी थी ताकि वहाँ पर सप्लाई पहुँचाई जा सके। ड्रोन के जरिए वहाँ पर सप्लाई होती है, फिर ये वहाँ से जो भी विस्फोटक पदार्थ या हथियार आते हैं उसको फिर ये हरविंदर सिंह रिंदा के द्वारा बताई गई लोकेशन पर रख करके आ जाता है। किसी संगठन से जुड़ा हुआ पहले हरविंदर जो है ये पहले किसी संगठन का नाम आ रहा है। बिल्कुल देखिए वो भी हम अभी पूछताछ कर रहे हैं और डेफिनेटली आतंकी गतिविधियों में संलिप्त रहा है और 2 कंसाइनमेंट इनको ऑलरेडी वो भेज चुका है। बरामद क्या क्या हुआ है सर,
बरामद क्या क्या हुआ है? देखिए जो पूछताछ हुई उसके अनुसार आईडीज है जिसमें एक्सप्लोजिव की पुष्टि हुई है। सर क्या गुड़गांव से क्या हुआ है? बरामद क्या हुआ सर? जो गुड़गांव के अंदर एक्सप्लोजिव मिले थे क्या उससे कोई लेना देना? अभी पूछताछ में ऐसी कोई बात सामने नहीं जी है। जो पहले ये नांदेड़ के पास में भी एक बार कंसाइनमेंट देके आ रख के आ चुके हैं और अब जो आदिलाबाद के पास की जो लोकेशन है वो इनके फोन में भी अवेलेबल है। देखिए अभी जो हमारी BDDS की टीम है वो मौके पे आई हुई है। अभी हमने प्रथम दृष्टया जो एक्सरे करवाया गया है ताकि उसमें एक्सप्लोजिव की पुष्टि हो सके। अभी एक्सप्लोजिव की पुष्टि हुई है और उसके बाद में जो BDDS टीम है वो अपनी आगे कार्रवाई कर सर। ये जो टीम है ये जांच है जो हरियाणा पुलिस करेगी या सेंट्रल की जो एजेंसी? देखिए हमने जो FIR है वो मधुबन पुलिस स्टेशन में दर्ज कर ली है और हमारी जो ASP इंद्री है वो इस केस की इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है। जो अभी तक जो बरामद की हुई है वो एक देसी जो पिस्टल है वो 31 जिंदा कारतूस 3 जो लोहे के कंटेनर जिनका 2.5 किलो के आसपास वजन है जिसमें एक्सप्लोजिव्स हैं वो और 1,30,000 रुपये के आसपास की नकदी बरामद हुई है। जो 3 आरोपी हैं वो फिरोजपुर पंजाब के रहने वाले हैं और 1 आरोपी लुधियाना का रहने वाला है। पाकिस्तान से संपर्क था इनका? जी जो एक्चुअल में जो गुरप्रीत नाम का जो इन चारों में से मुख्य आरोपी है वो पहले जेल में रहा था। इसी दौरान उसकी एक मुलाकात एक राजवीर नाम के शख्स से हुई। राजवीर हरविंदर सिंह रिंदा का पहले से ही पुराना एसोसिएट रहा है। वो राजवीर सिंह भी जो है वो उसके हरविंदर सिंह रिंदा के लिए काम करता था। राजवीर ने इसकी उसकी जो है संपर्क उससे हरविंदर सिंह रिंदा जो पाकिस्तान बेस्ड है उससे उसकी बात करवाई। इसके बाद में पिछले 9 महीने से लगातार कॉन्टैक्ट में थे। वो वहाँ से सप्लाई इसको भेजता था, ये उसकी बताई गई लोकेशन पर रख के आता था और उसके बदले में इसको पैसे देता था। रिंदा जो पाकिस्तान बेस्ड है उससे उसकी बात करवाई। इसके बाद में पिछले 9 महीने से लगातार कॉन्टैक्ट में थे। वो वहाँ से सप्लाई इसको भेजता था, ये उसकी बताई गई लोकेशन पर रख के आता था और उसके बदले में इसको पैसे देता था। डेफिनेटली जैसे ही हमें सुबह इन्फॉर्मेशन मिली जो क्रेडिबल इनपुट मिला था उसी इनपुट पर हमने कार्रवाई की थी और हमारी टीमें को हमने अलर्ट किया और सुबह सुबह के आसपास हमारी डायल 112 की गाड़ी बड़ी तुरंत से वहाँ पर बस्ताड़ा टोल के पास में पहुँची और हमारी जो लोकल पुलिस स्टेशन गाड़ी है वो भी तुरंत मौके पर पहुँच गई SHO समेत और चारों जो टीमें हैं इन्होंने बड़े अच्छे ढंग से काम किया और लोगों उनको चारों जो युवक हैं इनको राउंड अप किया। पुलिस का अपना देखिए जिस भी एजेंसी से नाम मिला हो हमें क्रेडिबल इनपुट एजेंसी से मिला था। फायरिंग वगैरह तो नहीं किसी की तरफ से की गई? जी ये DL नंबर की गाड़ी है लेकिन अभी इस गाड़ी के ओनरशिप किसके नाम है, कब खरीदी गई थी वो भी हम पूछ सकते हैं। एग्जैक्ट लोकेशन क्या है सर जहाँ से अरेस्ट हुआ है? जी बस्ताड़ा टोल के पास। बस्ताड़ा टोल टच के पास। जी जी थैंक यू। ब्यूरो रिपोर्ट समाना न्यूज करनाल।